बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। चार आतंकियों के छुपे होने की खबर है। मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इलाके में चार आतंकियों के छुपे होने की खबर है। मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में फूड पॉइजनिंग के चलते 200 लोग बीमार। 80 लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। शादी समारोह में खाया था खाना। देवरिया के गोबराई गांव में दंपति की हत्या से ग्रामीणों में गुस्सा। परिजनों ने दाह संस्कार से किया इनकार। सीएम योगी को गांव में बुलाने की उठे मांग। 2005 में अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले को लेकर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में बनाई गई है अस्थायी अदालत। नोएडा के सेक्टर 18 में चार बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटी कार। दिल्ली ले जाकर ड्राइवर को सड़क पर फेंका। पीड़ित ड्राइवर की सूचना पर केस दर्ज। आज जारी होगा सितंबर तिमाही का जीडीपी डेटा। जून तिमाही में 5.7% रही थी देश की जीडीपी। जीडीपी पर जीएसटी के असर का होगा आंकलन। सस्ते घर का सपना पूरा करने के लिए आज डीडी निकालेगा ड्रॉ। 12,000 फ्लैट्स के लिए 40,000 लोगों ने किया है आवेदन। टिहरी डैम के पास निजी कंपनी पर फर्जी तरीके से जमीन दखल करने का ग्रामीणों ने जमीन पर दखल देने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। पर्यटन विकास के नाम पर हुआ पूरा खेल। लोगों का आरोप, फर्जी तरीके से जमीन के कागज पर करवाया सिग्नेचर। डीएम ने दिए जांच के आदेश। आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। महंगाई बढ़ने से बिगड़ा किचन का बजट। 70 रुपए पार हुई टमाटर की कीमत तो 60 रुपए किलो में बिक रहा है प्याज। नवसारी में अजान की आवाज सुनते ही पीएम मोदी ने रोका अपना भाषण। अजान खत्म होने के बाद शुरू किया भाषण। गुजरात के कलवाड़ और भावनगर में सीएम योगी की रैली आज। जनसभा के बाद हरियाणा जाएंगे मुख्यमंत्री। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तरकाशी में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास मेले का करेंगे शुभारंभ। यहां से देहरादून के लिए होंगे रवाना। देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम फैसलों पर हो सकता है विचार मंथन। शाम 5 बजे होनी है कैबिनेट की बैठक। यूपी की जनता को लग सकता है बिजली की नई दरों का करंट। सरकार ने इजाफे के दिए संकेत। आज विद्युत नियामक आयोग कर सकता है नई दरों का ऐलान। निकाय चुनाव के फैसले का काउंट डाउन शुरू। 1 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2004-2005 में धांधली का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस वाले शिक्षकों का वेतन जारी करने का दिया आदेश। एसआईटी ने की थी प्रवेश परीक्षा में धांधली की जाँच। उत्तराखंड सरकार को विधानसभा अध्यक्ष की नसीहत। रामनगर में कहा स्थायी मुद्दे पर स्टैंड साफ करे सरकार। कब बनेगी स्थायी राजधानी। देहरादून में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर बनी रणनीति। यूपी में निकाय चुनाव हुए संपन्न। 3 चरणों में 52% वोटिंग। लखनऊ में कम मतदान पर निर्वाचन आयोग ने स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाई। फिरोजाबाद में मतदान के दौरान पथराव। 4 लोग हुए घायल। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस। हिरासत में लिए गए 4 लोग। बागपत में वोटिंग के दौरान फायरिंग। बीजेपी प्रत्याशी अमित राणा के समर्थकों पर आरोप। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने भांजी लाठियां। मऊ में फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बीजेपी नेता समर्थकों के साथ कोतवाली में धरने पर बैठे। चुनाव निरस्त करने की मांग। फतेहपुर की कृष्ण बिहारी नगर में फर्जी वोट डालने को लेकर मतदाताओं ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। बरेली के नवाबगंज में फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर हुआ हंगामा। जमकर हुई पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कराया मामला शांत। संभल के चंदौसी नगर पालिका के बूथ नंबर 85 पर हंगामा। एसपी और एआईएमआईएम के समर्थकों में हुई जमकर मारपीट। कई लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव सहित पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम गायब। पारसनाथ यादव ने जिला प्रशासन से की शिकायत।
पद्मावती के 3D वर्जन सर्टिफिकेशन के बाद सेंसर बोर्ड के पास फाइल की गई एप्लीकेशन, फिल्म के मेकर्स ने पॉजिटिव रिस्पांस के बाद ही डाली है एप्लीकेशन। संसद तक पहुंचा फिल्म पद्मावती का विवाद, आज संसदीय समिति के सामने हाजिर होंगे संजय लीला भंसाली। दिल्ली के सीलमपुर में मर्डर का सनसनीखेज वीडियो आया सामने, बदमाशों ने घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम, शख्स पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। तीन देशों की यात्रा में भारत आएंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, यात्रा के दौरान ओबामा पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। गुजरात में कांग्रेस ने तेज किया चुनाव प्रचार, आज अमरेली, बोटाद और भावनगर में राहुल गांधी की रैली। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के शताब्दी समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, डिजिटाइजेशन में अवसरों पर रखी बात।